ये हमारे कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम है। खाली टाइम है तो क्या करें, चश्मा और मोटा कर लेंगे। अब आप इतना ज्यादा पढ़ लेंगे कि आप बीमार पड़ जाएंगे। ये पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। डिसिप्लिन होना इम्पोर्टेंट। अब क्या है कि टेस्ट देंगे नहीं, यहाँ पर जो टेस्ट होंगे पहले टेस्ट में काफी सारे बच्चे देंगे, उसके बाद रीजन होगा सर मैंने ये सोचा है, सेल्फ स्ट्रेटजी, सर मैंने ये सोचा है अभी अच्छे से रिवीजन हुआ नहीं है, मैं कुछ और क्वेश्चंस लगा लूं, अपने पेंडिंग डीपीपीस कर लूं, फिर मैं टेस्ट दूंगा। ये उसी कैटेगरी में जो आपका करियर खराब कर। कई बच्चे क्या होते हैं, उनको लगता है कि एडवांस का पेपर तो हमें देना है, तो हम एडवांस का पेपर पहले एडवांस पढ़ाओ सर, हाई लेवल, लो लेवल बाद में पढ़ा था। भाई आप समझिए, लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अगर आपके मार्क्स 140 150 से नीचे हैं, पहला आपका कर्तव्य है जेईई मेंस को सुधारना, अदरवाइज हाथ में NIT नहीं आएगी, ठीक है, आप IIT तो भूल जाओ, NIT नहीं आएगी। तो 140 150 से ऊपर पहुंचना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। मैंने तो ये क्वेश्चन कर लिया, मैंने तो वो क्वेश्चन कर लिया, स्कूल में जाके टीचर को यहाँ कुछ नई चीज सीखी तो टीचर को वहां तंग कर रहे हैं, अपने दोस्तों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखती पहले ए बोल देंगे, बी बोल देंगे, दूसरे का डिमोटिवेट करने वाला जो अगर आपके अंदर नेचर है, आपको अगर उससे खुशी मिलती है प्लीज उसको मत करिएगा, शो ऑफ नहीं करना और किसी का शो ऑफ देखना भी मत, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि मैंने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है, हाँ बेटा तुम ही AIR1 बन जाओ, हम 2 ले लेंगे, कोई नहीं, एक ही तो रैंक ले पाओगे ना। अरे भाई आपको जिंदगी में ऐसे 4-5 मिलेंगे, अरे भाई मैंने ये इरोडो लगा दी, 50-60 क्वेश्चन इसके लगा दिए, PYQ कर दिए, ये कर दिए, तो आप ऐसे खोपड़िया गिन लेना, 1 2 3 4 5, बस हमारी 5 रैंक पीछे आएगी और क्या, इन 5 को जाने दिया जाए, लाइफ में टेंशन नहीं। अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, बेटा तू जा, ज्यादा लोग शो ऑफ नहीं करते भाई, और रियलिटी बता रहा हूँ, जो सही में पढ़ने वाला बच्चा होता है वो शो ऑफ करता ही नहीं। अगर आपको कोई शो ऑफ करता हुआ दिख जाए, समझ जाना आपको चुपचाप पढ़ाई कर। जबरदस्ती का ओवरवर्क करना, ये हमारे कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम है। खाली टाइम है तो क्या करें, चश्मा और मोटा कर लेंगे। खाली टाइम है तो आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, बाहर जाइए, घूमिए, फिरिए, खेलिए, लेकिन यस जब आप पढ़ रहे हैं तब और कोई चीज मत सोचिए, वो कंसंट्रेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। वही बात है ना, जबरदस्ती ओवरवर्क। अब आप इतना ज्यादा पढ़ लेंगे पहले दिन कि आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर 4 दिन खराब हो गए, फिर उसको कंपनसेट करने के पीछे लगे रहेंगे पूरे साल। एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, ये पढ़ाई बर्डन नहीं होनी चाहिए आपके लिए। अगर आप सही में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक रैंक पाना चाहते हैं, तो हमारे पास इतना पर्याप्त समय कि हम यहां से बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं।